हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम की तीखी और चटपटी चटनी। फ्रेंड्स, आप एक बार मेरे तरीके से आम की चटनी बनाकर खाइए। यकीन मानिए, आपने इतनी स्वादिष्ट चटनी पहले कभी नहीं खाई होगी। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आम की चटनी बनाना। आम की चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज के कच्चे आम लिए हैं और थोड़ा सा पुदीना की पत्ती ली है और थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती ली है। फ्रेंड्स, हरी धनिया का ये जो डंठल है इसको हम नहीं निकालेंगे, इसको हम चटनी में यूज करेंगे। इससे हमारी चटनी का स्वाद और बढ़ जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ आम को अच्छे से धोकर छीलकर काट लिया है ऐसे टुकड़े में और पुदीने को भी ले लिया है। आप पुदीने की पत्ती को भी काट के ले सकते हैं और हरी धनिया को भी अच्छे से धोकर और काट लिया है। और यहाँ मैंने लिया है 1/2 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच जीरा, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 4-5 हरी मिर्च, थोड़ा सा सादा नमक और थोड़ा सा काला नमक। तो चलिए फिर चटनी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हम लेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर का जार और इसमें कटे हुए आम की पीसेस को डाल देंगे। ये देखिए, मैंने आम सारे कटे हुए आम की पीसेस को डाल दिया है और इसमें अब हमारी धनिया डाल देंगे और पुदीना की पत्ती को भी डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 4-5 हरी मिर्च और जीरा 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच सौंफ। सबको मिक्स करके इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच सादा नमक और इसको अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चटनी बनकर रेडी है। ये चटनी बहुत ही खाने में स्वादिष्ट है। आप इसको चपाती के साथ, पराठे के साथ या दाल चावल के साथ खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी चटनी बनती है।